कुछ दिन पहले यहाँ पर शिफा खान पर रेड पड़ी थी। अमानक दवाइयों के साथ ही यहाँ पर होममेड दवाई बनाने की रॉ मटेरियल का जखीरा भी बरामद किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि नेसरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत पिपलिया में इस वर्षों से स्थित संचालित अवैध क्लिनिक का कादिर शिफा खान पर स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें कई सालों से यहां पर पुरानी एक्सपायरी दवाओं के साथ ही बड़ी मात्रा में घर में ही बनाई जाने वाली दवाइयों के निर्माण करने की सामग्री मिली थी, जिसके बाद में यहाँ पर कार्रवाई करते हुए पूरे जखीरे को जब्त भी कर लिया गया था और क्लिनिक को सील कर दिया गया था। अब इस पूरे मामले में जिला आयुष चिकित्सक डॉक्टर रमेश मुवेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस पूरे मामले में आयुष विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस को प्रतिवेदन दे दिया गया है और अब इस पूरे मामले में पुलिस चौकी नेसरपुर ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ये 9:22 से 8:32 ये सब खाली ये कुछ दिन पूर्व एक टीम बनी थी जिसमें बीएमओ, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और अन्य अधिकारी थे। इस टीम के द्वारा जो कथित रूप से एक दवाखाना पिपलिया में चल रहा था वहाँ पे रेड किया था। रेड करने के बाद जब पूरी तलाशी ली और तलाशी के बाद जो टीम ने पूरी जांच करने के बाद में एक प्रतिवेदन FIR दर्ज कराने के लिए चौकी नेसरपुर पर प्रस्तुत किया था, जिसमें बीएमओ साहब और उनकी जो टीम के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया है उसके आधार पर मोहम्मद इलियास नाम का जो व्यक्ति जो शिफा खाना दवाखाना चला रहा था उसके खिलाफ जो मध्य प्रदेश उपाचार्य गृह स्थापना अधिनियम 1973 की धारा 3 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है और ये प्रकरण अभी विवेचना में है।